हरे पत्ते वाली प्याज तो बहुत सारे लोगों को खाना पसंद नहीं होता है। इसकी या तो सब्जी बनाते हैं या फिर किसी चाइनीज फूड की गार्निशिंग में यूज करते हैं। आज मैं आपके लिए हरे पत्ते वाली प्याज की ऐसी डिलीशियस नई और मज़ेदार से ये पराठे लेकर आई हूँ, जिसको खाने के बाद आपको गोभी के, मटर के या फिर आलू के पराठे भी फीके लगने लगेंगे और ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। बहुत ही नए तरीके से बनाएंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मज़ेदार पराठे बनाने के लिए हमें यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 ये हरे पत्ते वाले प्याज। इनको पहले अच्छी तरीके से धो लीजिए, ऊपर का हिस्सा छील लीजिए और अब क्या करेंगे, ये साइड का हिस्सा जो है ना उसको काट कर निकाल दीजिए। अब प्याज को काटना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें 2 तरीके से काटना होगा। ऊपर का जो हिस्सा है उसको अलग काटना है और नीचे का ग्रीन जो पत्ते हैं ना हरे हरे उनको हम अलग काटेंगे। तो जो वाइट वाला हिस्सा उसको हम कम लेंगे और हरे पत्ते को ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हमने इन सारी चीज़ों को काट करके तैयार कर लिया है। जो वाइट वाला हिस्सा वो मैंने 2 प्याज का लिया है और पत्ते मैंने 4 प्याज के लिए हैं। तो अभी हम इनको साइड में रख लेते हैं और चलिए पराठे बनाने के लिए एकदम नए तरीके से आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए भी आपको बहुत ही खास ख्याल रखना है पराठों को टेस्टी बनाने के लिए। मैंने एक बड़े बर्तन में डाला है 2 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर आप मल्टीग्रेन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चना, बेसन, वो सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल रोटी बनाने वाले गेहूं के आटे का यूज़ किया है, 2 कप लिया है। अब यहाँ पर इस पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं के आटे के साथ 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से पराठे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप सफ़र में भी लेके जा रहे हैं ना तो पराठे जल्दी ख़राब नहीं होते और टेस्ट भी इन्हांस होता है। अब यहाँ पर बढ़िया टेस्ट और खुशबू देने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये घर में बनी कसूरी मेथी है। इसकी रेसिपी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें अजवाइन और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। आप यहाँ पर बेसन के बजाय दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पराठे काफ़ी नरम बनते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको नरम बनाने हैं या क्रिस्पी बनाने हैं। दोनों बनाने हैं तो थोड़ी सी दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चलिए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेते हैं और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से आटे को मसलते हुए हमें नरम सा डो लगाना है। तो ध्यान रहे, आटे को थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छी तरीके से मसल लीजिए और एकदम नरम और चिकना डो हमें तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आटा हमारा लग के तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट सा लगाया है। इसको हम गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट साइड में रख देंगे और चलिए हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच और थोड़ी सी जीरा डालेंगे तेल गर्म होने के बाद। लेकिन ध्यान रहे तेल ज़्यादा मत डालिएगा, 1 टेबल स्पून काफ़ी है। आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। अब डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 1 बड़े साइज़ का हरी मिर्च लिया था, तीखे हैं बहुत इसलिए मैंने 1 ही डाला है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे हरे वाले प्याज का वाइट वाला पार्ट। देखिए हरे वाला पार्ट अभी नहीं डालना है, तो ये वाइट वाला पार्ट मैंने पूरा ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे तेल में, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, कलर चेंज नहीं होने देना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है। बेसन डालने से ना हमारा जो स्टफिंग बनेगा वो बहुत ही ड्राई बनेगा और गीला गीला नहीं लगेगा। आप चाहें तो बेसन को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भून करके ही डालिएगा, कच्चा बेसन यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको बेसन नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पर रोस्टेड चना पाउडर यानी कि सत्तू ले सकते हैं। और अगर सत्तू डाल रहे हैं तो सबसे एंड में ऐड कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो मिक्सचर है उसको बाइंडिंग भी मिलेगी और वो ड्राई रहेंगे, गीले गीले से नहीं रहेंगे। तो बेसन को डालकर हमें प्याज के साथ ही 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जैसे कि हल्का सा प्याज का भी कलर चेंज हो जाएगा और बेसन भी थोड़ा सा हमारा बढ़िया से पक जाएगा। तो देख सकते हैं ये हल्के हल्के से सुनहरे हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम कर देते हैं और इसमें डाल देंगे हमारे हरे वाले प्याज का हरा वाला पार्ट। ये पूरा हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसमें हम अभी के अभी मसाले डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है जो हल्के तीखे होते हैं। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाले की जगह पर आप अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, इसके साथ ही डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। ये देखिए, चाहे तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं अगर आप वाइट नमक नहीं खाते हैं तो। और अब डाल देंगे बची हुई कसूरी मेथी जो हमने आटे में मिलाई थी ना, तो 1 टेबलस्पून बच गई थी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ज़रूर डालिएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 छोटी चम्मच और अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। 1 से 2 मिनट हमें इसे धीमी आंच पर पका लेना है, ताकि जो भी मसाले हमने ऐड किए थे वो प्याज के पत्तों के साथ बढ़िया से कुक हो जाए
बस ध्यान रहेगा ओवर कुक मत कीजिएगा, नहीं तो प्याज का जो पत्ता है ना बहुत सारा पानी छोड़ देगा, फिर ये मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में। ये देखिए मिक्सचर हमारा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल हल्के हल्के से ना गीले हैं, लेकिन परेशान मत होइए, हमने इसमें बेसन डाला है तो जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये ड्राई हो जाएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं अलग बोल में। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब चलिए हम चेक करते हैं हमारा जो आटा लगा कर रखा था ना, ये देखिए बढ़िया से नरम हो गया है। तो थोड़ा सा देसी घी या फिर तेल डालकर इन्हें चिकना कर लीजिए, हल्का सा मसल लीजिए। देखिए आटा हमारा कितना बढ़िया से तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा। इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लीजिए और चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बॉल्स ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, थोड़े छोटे छोटे ही रखेंगे और इसे हम हाथों पे इस तरीके से कटोरी बनाएंगे। देखिए आटा इतना चिकना है ना कि इसमें अभी सूखे आटे की भी ज़रूरत नहीं है, हमें हाथों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और मैंने हाथों में तेल भी नहीं लगाया है। चलिए अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो लगभग 1 से 2 टेबलस्पून स्टफिंग डालिए, बिल्कुल अच्छे से भरिए, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के स्टफिंग डाल रही हूँ, बढ़िया से कवर करेंगे और चलिए अब हम इसे बेलेंगे, या फिर सारे पराठे हम इस तरीके से बॉल्स भर लेते हैं उसके बाद एक साथ ही बेल लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं और अब मैंने इसको बोर्ड पे रख दिया है। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, यानी कि बेलन को बस बेलन को रोटी के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से बस फैलाना है। बीच में बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिएगा, साइड्स में आपको हल्का सा प्रेशर देना है, यानी किनारों पे प्रेशर देना है। अगर आप बीच में प्रेशर दे के बेलेंगे ना तो पराठे निश्चय ही फट जाएंगे, तो आपको हल्के हाथों से बेलन को चलाना है। आप इसको जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखा क्योंकि पराठे हैं तो थोड़े से मोटे अच्छे लगते हैं, बहुत पतले नहीं करेंगे। अब चलिए सारे पराठे हम इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे और एक साथ हम इनको पका लेंगे। देखिए मैं इनको एक जो है ना पराठा बहुत पतला बना रही हूँ कि फटते बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए इनको सेक लेते हैं। तो तवा मैंने यहाँ पर गर्म होने रख दिया है, अब डालेंगे तवे के ऊपर। एक साइड सेकने के बाद इनको टर्न करेंगे और अब लगा रही हूँ मैं देसी घी। आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर बिना तेल के भी बना सकते हैं। टर्न कीजिए, दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से इनको घी या फिर तेल लगा लेंगे, अच्छी तरीके से दबाएंगे और आप देखेंगे कि एकदम बलून की तरह फूलने वाले हैं। ये देखिए देख रहे हैं एकदम बलून की तरह फूल रहे हैं। थोड़ा सा इनको क्रिस्प कर लेते हैं यानी सुनहरा कर लेते हैं, तभी पराठे खाने का असली मज़ा आता है। तो देखिए कलर एकदम डार्क हो गया है, पराठे हमारे बहुत ही लाजवाब फूले फूले बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और सारे पराठे हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो बस ध्यान रहे पराठों को कैसे बनाना है उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक साइड थोड़ा सिकने दीजिए, दूसरी साइड थोड़ा सिकने के बाद ही टर्न कर लेंगे, घी लगाएंगे और फिर पलटने के बाद इनको अच्छी तरीके से क्रिस्प कीजिएगा। देखिएगा सारे पराठे ऐसे ही फूलेंगे और मज़ेदार बनेंगे। तो लीजिए हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्प से। और ये पराठे काफ़ी देर तक नरम और ऐसे ही स्वादिष्ट बने रहते हैं। आप इसके सफ़र में भी ले जा सकते हैं, टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं या फिर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही मज़ेदार। और ये हरे काले प्याज के पराठे हैं ना, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए मैं आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ कि स्टफिंग इसकी कैसी है। ये देखिए ऊपर से तो मज़ेदार लग ही रहे हैं, अंदर से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। देख सकते हैं स्टफिंग हर कोने कोने तक फैली हुई है। अब इस पराठे को आप किसी भी चटनी या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इसको खाने के लिए किसी भी तरीके की अगर चटनी ना भी हो तो भी ये बहुत शानदार लगते हैं। ज़रूर से बनाइए। पराठों की और भी रेसिपीज़ के लिंक आपको नए नए तरीकों से वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर से देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो इन्जॉय कीजिए, चलिए कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।